learning, talking about the outcomes towards the life. Last time after our classification of research, we will start with a overview. लेते हैं, start से आते हैं, फिर यहीं से दोबारा start कर लेते हैं, सही है? एकदम आपके पेज करा जाते हैं, वहाँ से दोबारा आके यहाँ पर फिर start कर लेते हैं, क्योंकि अगर पीछे ना जाए तो फिर हो सकता है जो नया आया हो, उसके लिए कोई मसला हो, ठीक है? अपने classification of research पर, research को हमने classified किया, different angles का, हमने classification इसलिए किया ताकि हमें एक research का different angles का पता चल जाए, क्योंकि research सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, एक technique से नहीं होता, एक classification, एक method से नहीं होता, उसका different angles होता है, different methods होते हैं, सही? क्योंकि जब different angles मिलता है तब जाके एक research बनता है, आपने square root का उसको देखा है ना? triangle shape को देखा है ना? Yes sir. उसमें से different angles होते हैं. Yes. तो different angles मिलके तब एक triangle shape बनता है. Yes sir. नहीं बात है ना? Yes. तो यही पे हमारा ऐसा भी है कि जब हमारा research हम करते हैं कि different angles को मिलाके तब हमारे पास एक research बनता है. वो हमने उसको classify कितने चीज कितने उसका classification कितना है? कितने angles में classify किया था हमने? चार पे. कितने पे किया था? चार पे. पहले हमारे पास क्या था? पर्पस था. पर्पस था क्या था? पर्पस था. जब हम रिसर्च करते हैं तो पहले हमने इससे पहले जब रिसर्च करने से पहले हमने उसका पर्पस को आइडेंटिफाई करना होता है. ये रिसर्च हम क्यों करना चाहते हैं? इस रिसर्च का मकसद ही क्या है? उसका पर्पस क्या है? इसमें हमने तीन पर्पस का जिक्र किया था. कितने 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 पर्पस का? तीन का. पहला पर्पस कौन था? कौन सा था? एक्सप्लोरेटिव था ना, जिसने हमारा रिसर्चर्स का मकसद ये होता है कि एक आइडिया को एक्सप्लोर करना. क्या होता है? एक आइडिया को एक्सप्लोर करना, नया आइडिया लेकर आना, न्यू नॉलेज लेकर आना, उसका मकसद यही होता है. दूसरा क्या था? डिस्क्रिप्टिव था. क्या था? डिस्क्रिप्टिव था. वही सिचुएशन को जो हमने उसको डिस्क्राइब करना होता है, उनमें से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उस फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है. फिर लास्ट में हमारे पास क्या था? एक्सप्लेनेटरी, जिसमें कॉजल रिलेशन का पता लगाना था. वो फैक्टर जिसने जिसमें जहां हमने डिस्क्रिप्टिव में एनालाइज किया, यहां हम उसमें क्या करेंगे? उसे उसका रिलेशन देखेंगे एक दूसरे के साथ, सही है ना? यहां तक हमने पढ़ा था इन तीनों का. फिर फर्दर हम आज पढ़ेंगे क्या? यूजेस ऑफ रिसर्च. क्या पढ़ेंगे हम? यूजेस ऑफ रिसर्च. जो रिसर्च हमने तीन चीजों का उसका पर्पस बताया, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव. अब इसका यूजेज को हम देखेंगे कि इसका यूज कहां पे होगा. दो चीजें यूजेज को हमने दो चीजों में डिवाइड किया है. कितने में किया है? दो. या ये होगा अप्लाइड होगा, या होगा बेसिक रिसर्च. यूजेज हमारा क्या होगा? यह हमारा किया या ये बेसिक रिसर्च होगा या ये अप्लाइड होगा. अच्छा, बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होता है जहां रिसर्चर कोशिश करता है कि यार न्यू नॉलेज जनरेट कर ले. क्या कर ले? न्यू नॉलेज जनरेट कर ले, बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट कर ले, नया नॉलेज जनरेट कर ले. दैट इज फॉर बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च में रिसर्चर्स के पास फ्रीडम होता है. फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. सारे रिसोर्सेज को यूज करता है जो उसके जहन में आता है एक रिसर्च के हवाले से. वो कहे, अगर वो कहे कि इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, तो वो कर सकता है. इसलिए बेसिक रिसर्च में कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है. कॉस्ट बहुत क्यों ज्यादा आता है? इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और आपने क्योंकि आपने नया आइडिया जनरेट करना है तो इसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, तो साल दो साल इसमें लगता है. यहाँ पर जो स्कॉलर्स होते हैं, पीजी के स्कॉलर्स, वो बेसिक रिसर्च करते हैं, नया नॉलेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो साल भी लग सकता है, दो साल भी लग सकता है, क्योंकि वो नया एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट को नया नॉलेज दे रहे हैं. समझ आ रहा है? तो बेसिक रिसर्च वो है जो नया नॉलेज को जनरेट कर ले, जनरेटिंग न्यू नॉलेज. जहां पर हमने अप्लाइड रिसर्च, हमारे पास सेकंड है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च का मेन थीम क्या है? थीम यही है अप्लाइड रिसर्च का, एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालना. ये है हमारे पास क्या? अप्लाइड रिसर्च.
बेसिक रिसर्च जब लिसन ये बेसिक रिसर्च का यहां पर ये अप्लाई भी बनता है कब बनता है जब उसे इंप्लीमेंट किया जाए क्योंकि यहां पर इमीडिएटली कोई कांसेप्ट नहीं है इमीडिएटली का कांसेप्ट नहीं है बेटे का मतलब क्या है जल्दी इस पे किसी का प्रेशर नहीं है किसी का दबाव नहीं है बेसिक रिसर्च 2 साल 3 साल 4 साल भी हो सकता है मतलब उस पे डिपेंड पे डिपेंड अपॉन रिसर्चर इस पे इमीडिएट की बात नहीं हो रहा है वो जब करे उसका अपनी मर्जी जैसा करे वो अपनी मर्जी किस कहां पर इंप्लीमेंट करना चाहता है किस एरिया में नॉलेज जनरेट करना चाहता है उसका अपनी मर्जी है यहां पर उसको कोई रोकने वाला नहीं है वो क्योंकि ये खुद मुख्तार है ये क्या है ये वैसे यहां पर रिसर्चर्स क्या होता है खुद मुख्तार हो जाते हैं जब हम इस एंगल पे आते हैं अप्लाइड पे अप्लाइड पे हमने सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं सॉल्यूशन किस तरह लेट्स सपोज एक कंपनी में मसला आ रहा है किस चीज का मसला आ रहा है उसके एम्प्लॉइज का डिससैटिस्फैक्शन या एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है यही बात है ना उसके एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस खराब है तो उसने एक रिसर्च कंसल्टेंट को हायर किया क्या किया रिसर्च कंसल्टेंट को हायर किया ताकि वो रिसर्च कंडक्ट करे ताकि पता चल जाए कि क्यों अभी देखो यहां पर रिसर्चर के पास फ्रीडम था वो अगर रिसर्च करता है तो वो सालों में कर सकता है लेकिन यहां पर उसके पास फ्रीडम नहीं है यहां इसको बाउंड किया गया है कि आपने एक महीने में हमें नतीजे रिकमेंडेशन देना हो समझ आया प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए क्योंकि हमारे को कह रहे हैं हमारे पास का टाइम नहीं है एक महीने के अंदर अंदर है दो महीने के अंदर अंदर आप रिसर्च कंप्लीट करके हमें रिकमेंडेशन दे दें अभी क्या करें हमें अभी क्या करना चाहिए ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस सही हो जाए तो यहां पर इसके पास लिमिटेशन मतलब रिस्ट्रक्शन नहीं है यहां पर इसके पास अप्लाई पे रिस्ट्रक्शन है किसकी रिस्ट्रक्शन है जिन लोगों ने आपको हायर किया है समझ आ रहा है ना यहां पर हम कहते हैं अब यहां पर हम नया नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे बल्कि अपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपने अप्लाइड को फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है किस चीज में डिवाइड किया हुआ है फर्दर टाइप्स में अप्लाइड का कितने टाइप्स है हैविंग अप्लाइड रिसर्च हैविंग थ्री टाइप्स एक एक्शन रिसर्च पहला हमारे पास क्या है एक्शन रिसर्च एक्शन रिसर्च क्या होता है जब भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो जहां पर प्रॉब्लम है उन सब लोगों को इन्वॉल्व कर देता है जहां पर प्रॉब्लम है उन लोगों को इन्वॉल्व कर देता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है किस चीज का बार्गेनिंग अगर डिसइंफेक्शन एम्प्लॉइज का तो ये सारे एम्प्लॉइज को उस रिसर्च में क्या किया जाता है इन्वॉल्व किया जाता है उससे क्वेश्चन उससे क्वेश्चंस किया जाता है काउंसलिंग किया जाता है मसला क्या है कहां पर मसला लाया हुआ है क्यों आप नहीं आ रहे मतलब क्यों आपका परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रहा है तो यहां पर एक्शन रिसर्च पे हमने करना क्या होता है क्या इसका क्या नाम इसका टीआरडी है क्या है हां
अब ये बंद है बीआरटी, इससे पहले जब ये बंद था इससे पहले दो महीने तीन महीने इसके इंपैक्ट का इंपैक्ट सोच रहे थे कि जब हम ये रोड को सारे रोड को ब्लॉक करेंगे तो इंपैक्ट क्या होगा, उस रिसर्च करने के लिए किया था, मतलब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले रिसर्च किया कि अगर हमने रोड्स को ब्लॉक किया तो क्या इंपैक्ट आएगा। अगर आप ये इंपैक्ट को अंदाजा नहीं लगा सकते तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। इंपैक्ट का अंदाजा लगाए फिर उसके लिए सोल्यूशन निकाल दें। अगर उनसे कहें हमने ये दरमियानी रास्ता ब्लॉक कर दे तो इस तरफ क्या होगा, क्या कर ले, इस तरफ क्या कर ले, तो उसके लिए एक लायबल या एक प्रॉपर सोल्यूशन या प्रॉपर तरीका ढूंढना होगा कि हमें क्या करना होता है। तो इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है, रिसर्च से पहले उसका इंपैक्ट देखना कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, सही है, इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। यहां पर जब रिसर्च कंडक्ट हो गया आफ्टर रिसर्च आपने क्या करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है। जो मैंने रिसर्च किया क्या इसका जिस तरीके से मैंने किया इसका वही सोल्यूशन आ रहा है या नहीं। यहां पर इवैल्यूएशन का इवैल्यूएशन को आप रिजल्ट, यहां पर हमने रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इस रिजल्ट को आपने करना क्या होता है, जो प्रॉब्लम था रिजल्ट और प्रॉब्लम इसको आपने कंपेयर करना होता है। मैं आया जो मैंने सॉल्यूशन निकाला इसके लिए कितना इसको सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या इसके लिए सही है ये सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम। तो यहां पर हमने क्या करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है इस प्रॉब्लम ओवरऑल स्ट्रेटजीज ओवरऑल टेक्निक्स आपने जो जितना भी रिसर्च का आपने यूज किया उस ओवरऑल को आपने क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है कि whether I am whatever I have used that is properly implemented or not। जो पहले इंप्लीमेंट किया सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, यहां पर हमने इवैल्यूएट करना होता है। तो रेवा सर क्लास है द व्हाई ऑफ द क्लियर मैसेज सर ब्रेक मींस लाइक आप ये होता है जो उस ब्लॉक ओके हमारे पास सेकंड के थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन है रिसर्च हम कंडक्ट कर लेंगे लेकिन रिसर्च हमने कहां से और कितने टाइम का, सही रहा क्या हमारे पास रिसर्च। अच्छा नॉर्मली आज में जो रिसर्च है ना वो टाइम डायमेंशन के लिहाज से वो क्रॉस सेक्शनल है। अभी क्रॉस सेक्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि हमने डेटा कलेक्ट कर दिया एट वन टाइम, एक वक्त में हमने डेटा कलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में एक महीने में एक साल में, नहीं एक टाइम में हमने डेटा कलेक्ट कर दिया, बस एक टाइम में एक टाइम फ्रेम में हमने डेटा कलेक्ट कर दिया। तो उस डेटा को हम कहते हैं डेटा तब क्रॉस सेक्शनल। जब हम इसके अपोजिट जो होता है वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड डेटा है वो है जो हमने एक टाइम के लिहाज से, मतलब रिसर्च हम नहीं करते 2017 में हमने डेटा कलेक्ट कर दिया सही है, 2018 में डेटा कलेक्ट कर दिया सही है, 2019 में भी डेटा कलेक्ट कर दिया, ये होता है। अभी तो हमने इसको कंपेयर नहीं किया। तो हमने जब लॉन्जिट्यूड डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें हमने चेंज देखते हैं, क्या देखते हैं हम, चेंज देखते हैं कि कितना चेंज आया इस साल का, अगले साल का और आने वाले साल का कितना चेंज आया। तो हम इसका ओवरऑल चेंज देखते हैं, समझ आया। तो क्रॉस सेक्शनल जो होता है वो स्नैपशॉट होता है, उसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्नैपशॉट एट वन टाइम के लिए, सही है ना, एट वन टाइम के लिए। जब मैंने रिसर्च करने किया था, रिसर्च करने की तो मैंने सारे यूनिवर्सिटीज के लिए बस यूनिवर्सिटी से डेटा लिया बस, दैट्स एट वन टाइम। अगर मैं अभी भी यूनिवर्सिटी से डेटा लेता था फिर एक साल बाद फिर डेटा लेता फिर डेटा लेता फिर उसको मैं चेंज को इस चेंज को मैं कंपेयर कर देता तो फिर वो मेरा क्या बनता, लॉन्जिट्यूड। क्योंकि लॉन्जिट्यूड डेटा जो होता है वो साल से ज्यादा हो जाता है, दो साल तीन साल चार साल एक रिसर्च होता है। क्रॉस सेक्शनल एट वन टाइम, एट वन टाइम होता है, बहुत कम वक्त में होता है, बस डेटा कलेक्ट करके वो इंप्लीमेंट कर दे बस, सही है। रिसर्च टेक्निक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च।
या सर्वे करना होता है, कंटेंट एनालिसिस करते होते हैं, या यूज ऑफ एग्जिस्टेंस स्टैटिस्टिक, तो ये हम कल पढ़ेंगे। सही है, टेक्निक्स ऑफ जो रिसर्च टेक्निक्स वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। काहे कि एक टाइम पे आया था आप लोग 10-15 मिनट आप लेट आते हो।